आरबी इंफ्रा पर नजर डालते हैं। संदीप पडवाल ने हमारे लिए सवाल भेजा है। 545 शेयर्स है उनके पास जो उन्होंने 72.9 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। मयूरेश, इस स्टॉक पर क्या राय रहेगी? पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फोकस रहा ही है, थोड़ा सा नुकसान है इन पोजिशन पर, लेकिन अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल का नजरिया देखें तो आरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी क्या राय रहेगी? अपडेट जो आया था वो काफी शानदार आया था। एंड जनरली अगर आप रोड कंपनीज को देखें, जो ईपीसी प्लेयर्स हम कहते हैं रोड स्पेस में, जो एलोकेशंस हुए हैं ये बजट में भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट हुए हैं। जो एक्सपेक्टेशन है वापस इन टर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पर डे, दैट इज एक्सपेक्टेड टू गेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम, और इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो कंप्लीशन की स्पीड है, जो एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स है काफी रोड कंपनीज के बिफोर टाइम करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एडेड एडवांटेज इंसेंटिव भी मिलती है। काफी कंपनीज विद इन दिस स्पेस के कैश फ्लोस ठीक ठाक रहे हैं पिछले कुछ वर्षों बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक्स हैव रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और इसलिए हमें लगता है काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक ठाक स्टॉक है, बट विद इन दिस स्पेस अगेन पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन अगर डिक्लाइंस में मिलता है वो भी आपके वॉच लिस्ट में रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी आईआरबी इंफ्रा पर। इसके अलावा